खेलों में पदक जीतकर हमेशा अग्रिम प्रदेश रहने वाले हरियाणा के छात्र स्कूल से ही खेलों के प्रति समर्पित रहते हैं, जिसके चलते वो आने वाले समय में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बनते हैं और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। हाल ही में 4 सितंबर से 24 सितंबर तक खेलो इंडिया नॉर्दर्न नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोहतक में किया गया, जिसमें भारत के लगभग 2000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं फरीदाबाद के सैनिक स्कूल के 5 छात्रों ने खेलो इंडिया में कमाल कर दिखाया, जिनका स्कूल पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ हरियाणा राज्य स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 17 सितंबर तक सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं की छात्रा डिंपल ने स्वर्ण पदक जीता और 12 से 15 सितंबर तक जींद शहर में हरियाणा राज्य स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं की छात्रा बॉबी ने रजत पदक जीता है। मैं घूमने गई थी, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और मैंने हरियाणा स्कूल में भी खेला है सोनीपत में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है SGF5। अब मैं उसमें मैं नेशनल जाऊंगी। किस तरह से तैयारी रही? पहले मेरा ब्रॉन्ज था, मुझे नेशनल में गोल्ड मेडल के लिए और प्रैक्टिस करनी है, और जिसकी मुझे प्रैक्टिस दीपक शर्मा। और मैं सैनिक स्कूल 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं रोहतक खेलने गया था, साई रोहतक में NOC खेलो इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है, और लास्ट फाइट मेरी आर्मी के से लड़के से हुई थी। मेरे वेट में 6 फाइट हुई थी मेरी, इसमें से मैं गोल्ड की मैं आर्मी के से हुई थी। विजेता खिलाड़ी जब अपने स्कूल पहुंचे तो सभी खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और मिठाइयां भी बांटी गई। बच्चों की इस मेहनत और सफलता के लिए स्कूल के डायरेक्टर और कोच भी काफी खुश हैं। सैनिक स्कूल की तरफ से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, जिसमें हमारे स्कूल के 5 बच्चों ने नेशनल कंपटीशन में और स्टेट कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया था। नेशनल कंपटीशन में हमारे बच्चों के 2 मेडल हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, जो कि 4 सितंबर से और 24 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था NOC रोहतक के अंदर, साई के अंडर में हुआ था ये कंपटीशन, ऑर्गेनाइज कराया गया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। नेशनल कंपटीशन में हमारे 2 मेडल हैं और एक मेडल हमारा हरियाणा स्कूल स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में है, जिसमें हमारे बच्चे का सिलेक्शन डिंपल का SGF5 गेम्स के लिए हो गया है, और हमारा यही प्रयास है कि जी आगे हमारे बच्चे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं और हमारे स्कूल को इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करें। मैं इसमें मुख्य रूप से उनके कोच उमाशंकर शर्मा जी और दीपक शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिन रात सुबह और शाम दोनों हमारी अकेडमी में सैनिक बॉक्सिंग क्लब अकेडमी में उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। साथ के साथ जो हमारे कोच हैं आर्चरी के, जो डिंपल सॉरी बॉबी को जो सिखाते दीपक अलावा जी, वो भी उनकी तैयारी में काफ़ी मेहनत करते हैं। परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों जब बच्चों को प्रैक्टिस के लिए लेके जाना होता है तो परिवार को साथ जाना होता है, तो उनका भी पूरा सहयोग रहता है। राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतकर परचम लहराने वाले सैनिक स्कूल ने विजेता खिलाड़ियों के माता पिता को भी सम्मानित किया और उनका मान बढ़ाया, दूसरे छात्रों को भी खेल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।